हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थर्सडे व्लॉग। तो आज मेरा है साईं बाबा का व्रत। तो आज मैं आपके साथ अपना मेकअप रूटीन, जो डेली मेकअप रूटीन है, वो शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपके साथ में मैं अपना जो पूजा होती है साईं बाबा की, कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और इसके बाद में ड्राई हेयर कॉम्बिंग है, तो मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था। तो किस तरह से मैं अपने हेयर में कॉम्बिंग करती हूँ, जिससे मेरे हेयर फॉल भी बहुत ही कम होता है और मेरे जो हेयर है ना वो बहुत कम गिरते हैं, और लॉन्ग हेयर कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे लॉन्ग हेयर की लेंथ भी देख सकते हो। तो काफ़ी लंबे हेयर हो गए थे, बैठने में बहुत ज़्यादा दब जाते थे। तो मैंने अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले ही अपना हेयर कट कराया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितने जल्दी मेरे हेयर की ग्रोथ हो चुकी है। तो मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही व्लॉग्स वीडियो लाती रहूँगी। अगर क्योंकि व्यूज़ वगैरह आते नहीं ना, तो व्लॉग बनाने को मन नहीं करता। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं इस वीडियोस पे, तो मैं आपको अपना व्लॉग भी शूट करके दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, सब मैं बताऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो बहुत ही सिंपल मेकअप रूटीन है। सबसे पहले मैंने लगाई थी फेयर लवली। लगाने के बाद मैंने जॉनसन एंड बेबी का पाउडर लगाया था। तो मैं डेली रूटीन में कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं पॉन्ड्स का पाउडर है या फिर जॉनसन बेबी पाउडर है, मैं बस यही लगाती हूँ। इसके बाद मैंने लगाई थी ब्लू हेवन की लकी नेचुरल ब्राउन आईब्रो पेंसिल थी, उससे मैं थोड़ा बहुत आईब्रो सेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा आईलाइनर मस्कारा लगाया था, बिंदी लगा ली और मैंने मांग भर लिया। तो बस ये सिंपल सा मेरा मेकअप रूटीन होता है। इसके बाद में फ्रेंड, मैं अपना जब भी हेयर वॉश करती हूँ, तो मेरे जब बाल सेमी वेट होते हैं, यानी कि जो हल्के गीले बालों में, मैं स्ट्रिक्स का हेयर सीरम लगाती हूँ। तो इस समय मेरा फेवरेट हेयर का स्ट्रिक्स सीरम है। मैंने फ्रेंड काफ़ी हेयर सीरम लगाए हैं, मैंने लिवॉन लगाया है। लिवॉन की दो सीरम आती है, हेयर स्प्रे सीरम और लिवॉन का नॉर्मल वाला सीरम, वो भी लगाया। सिल्क एंड शाइन लगाया, हेयर स्ट्रिक्स के दोनों लगाए, एक वॉलनट वाला लगाया और एक और भी लगाया। तो मुझे सबसे अच्छा ये हेयर स्ट्रिक्स का सीरम ही लगा, क्योंकि सीरम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा चलता है। और लिवॉन का जो मैंने हेयर स्प्रे सीरम मंगाया था, वो तो बिल्कुल भी नहीं चला। आप उसे स्प्रे करके भी लगा सकते हो, तो स्प्रे थोड़ा ईजी रहता था, तो मैं वही लगा लेती थी। तो मैंने कई सीरम लगाए, जिनमें से अब तक का मेरा स्ट्रिक्स ही सीरम फेवरेट है। फिर बालों को मैंने अच्छे से सीरम बालों में लगा लिया था। कॉम्बिंग करने के लिए मैंने थोड़ी मोटी टीथ की कॉम्ब ली है। तो आप भी याद रखिए, जब भी करें तो थोड़ा मोटे टीथ वाली कॉम्ब लें। और आपको क्या करना है, टिप से रूट तक जाना है। तो मैं देख रहे हैं, जब मैंने बालों में कॉम्बिंग कर ली, तो आप देख रहे हो मेरे बालों में किस तरह की शाइन दिख रही है। तो बिल्कुल सेम आप जो भी मैं बालों में लगाती हूँ, अगर आप मेरी रेमेडीज यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो आपके बालों में शाइन आएगी और बहुत ही कम हेयर फॉल होता है। तो देखिए, पहले मैं लेंथ से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ा के जा रही हूँ। तो आप देख रहे हो, पहले मैं बालों की लेंथ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए ऊपर जा रही हूँ। तो आप देख रहे हो मेरा हेयर फॉल भी कितना कम हुआ था। तो बस बहुत ही कम हेयर फॉल होता है, मुश्किल से 10 से 15 बाल भी नहीं टूटते हैं, इतना कम हेयर फॉल होता है जो मैं अपनी रेमेडीज लगाती हूँ। तो बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख रहे हो मैं अच्छे से कॉम्ब करने के बाद में, और आज साईं बाबा का व्रत है, तो इस दिन मैं हमेशा येलो साड़ी या येलो सूट, येलो कलर का ही ड्रेस वेयर करती हूँ। तो देखिए, बालों में अच्छे से कॉम्ब कर ली। तो अब मैं वन ब्रेड बना लूँगी। तो वन ब्रेड भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरह से बन जाती है, और साड़ी में अगर आप छोटी बनाओ ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो देखिए, इस तरह से मैं अपनी छोटी बना लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी छोटी बना ले रही हूँ, और पूजा करनी है, जल्दी जल्दी मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो मतलब रूटीन है, झाड़ू पोछा और सब क्लीनिंग वगैरह मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि बेटे को ना स्कूल नहीं भेजा है, उसको फीवर आ गया था, तो उसके मुझे दवा लेने भी जाना है। तो जितना भी काम है मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो फिर भी मैंने व्लॉग सूट कर लिया था, क्योंकि जो दवा पहले से रखी हुई थी वो मैंने उसको पिला दी थी, लेकिन
बच्चे के ऊपर लापरवाही नहीं करना है, इसी के वजह से मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा बहुत डॉक्टर को भी दिखा देती हूँ, जिससे बेटे को फीवर जल्दी सही हो जाए। तो देखिए मैंने अपनी चोटी बना ली है, कितनी अच्छी लग रही है, और आप मेरे बाल भी देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड मेरी चोटी इतनी लंबी हो गई थी कि जब मैं बैठती थी ना तो दब जाती थी और बालों में फिर लगता था। तो अब आप देख रहे हो मेरा ये सिंपल लुक कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देखिए मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। तो देखिए मंदिर की क्लीनिंग ना मैंने कल ही कर ली थी, यानी कि आज थर्सडे है, तो मैंने अपने मंदिर की क्लीनिंग कर ली थी वेडनेसडे को। तो पहले से क्लीनिंग कर ली थी, साफ़ सफाई सब अच्छे से पोछ लिया था। तो अब मैं अपने मंदिर में सबसे पहले स्वास्तिक बना रही। स्वास्तिक बनाने के लिए मैंने क्या किया था, जो कुमकुम होता है ना, तो उसी को मैंने पानी में अच्छे से घोड़ लिया था, और इसके बाद में मैंने इसे लिक्विड बेस पे बना के, तो देखिए इस तरह से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। और स्वास्तिक बना के मैं मंदिर में अपना लिखूँगी शुभ लाभ, और इसके बाद फिर मैं साईं बाबा की पूजा करूँगी। सो फ्रेंड प्लेट में मेरी लड्डू है, तो आज के दिन में पीला प्रसाद चढ़ता है साईं बाबा के लिए, तो मैंने बेसन के लड्डू मंगाए हुए हैं वो है, और मैंने पूजा के लिए लौंग कपूर लिया हुआ है, और कुमकुम रखा हुआ था, थोड़े से चावल रखे हुए थे, फूल मुझे मिले नहीं थे तो फूल मैंने मतलब नहीं चढ़ाए थे, लेकिन जब भी फूल मुझे मिल जाते तो फूल भी चढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे फूल नहीं मिले थे तो मैंने फिर बिना फूल के ही पूजा करी, क्योंकि जो है जितना है बस उतना ही ठीक होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ से डालूँ जब मिल ही नहीं रहे। तो देखिए इस तरह से मैंने ईयरबड की हेल्प से मैंने शुभ लिख दिया, स्वास्तिक बना दिया, अब मैं इसमें लाभ लिख रही हूँ। तो ये छोटा सा मंदिर है, तो मैं अपने माइकिस की तरफ से लेके आई हुई, तो छोटा सा मंदिर था यहाँ पे, मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले ही नया ये घर शिफ्ट किया था, तो यहाँ मंदिर अलमारियाँ वगैरह नहीं है, यानी मैं यहाँ जहाँ रह रही हूँ यहाँ अलमारियाँ वगैरह बहुत ही कम रहती हैं। तो देखिए ये मेरी थाली रही, इसमें लड्डू है, कुमकुम है, घंटी रखी हुई है, और इस पर मैंने पहले ही से ही धूप बत्ती बना के रख ली थी, तो ये सब में थोड़ा सा प्रसाद ये सब रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ना अपने रिंग फिंगर से सारी मूर्तियों में, यानी साईं बाबा और दुर्गा जी का, हनुमान जी, मेरे मन छोटा सा मंदिर, तो सारी मूर्तियां भी मेरे मंदिर में छोटी छोटी सी हैं, छोटे से साईं बाबा, छोटे से दुर्गा जी, कृष्णा जी और लक्ष्मी, गणेश, सब छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं, बालाजी, और ऊपर आप देख रहे हो शंकर जी की, ये मैंने फ्रेम ली हुई है। तो इस तरह से देखिए सब कुछ मैंने लगा दिया था, सबके कुमकुम लगा दिया है। तो देखिए अब मैं, ये तिल का तेल है, तो अभी जस्ट रिसेंट ही मंगाया हुआ है, तो अब देखिए मैं इसे खोल कर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मतलब दिया जलाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं देखिए दिया जला रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रोशनी कम दिख रही है, ट्यूब बल्ब भी जल रहे हैं, लेकिन तभी पता नहीं क्यों यहाँ पे यहाँ रोशनी कम दिख रही, तो मैंने दिया जला दिया, अब मैं धूप जला रही हूँ। तो इस तरह से मैं बस सिंपल सी पूजा करती हूँ। तो ये बृहस्पतिवार को मैं व्रत रखा हुआ था, तो उसकी एक व्लॉग शूट कर लिया था, बेबी का फीवर काफ़ी कम था, लेकिन थोड़ा बहुत उसे सर्दी खांसी तेज थी, इसी की वजह से मैं और डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, दवा पिला दी थी, तो बेटा भी खेल रहा था। तो देखिए इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। तो साड़ी को मैंने, जो पल्लू है ना, जो साड़ी का पल्लू है वो मैंने बिल्कुल भी, मतलब सर पे कोई भी पिन वगैरह नहीं लगाई थी, तो बहुत जल्दी गिर जा रही थी। तो देखिए इस तरह से मैंने दिया जला दिया और धूप जला दी है, और मैं इस तरह से सारी पूजा कर रही हूँ। और जो थोड़ा बहुत मुझे साईं बाबा का मंत्र वगैरह आ रहा था तो वो बोल रही थी। तो इस तरह से मैं, देखिए अब मैंने धूप कर दी है, अब धूप करने के बाद में अब मैं सबको प्रसाद मतलब खिला रही हूँ साईं बाबा को, साईं बाबा का जो के लिए मैंने लड्डू मंगाए हुए थे, तो ये था। इस तरह से मैं साईं बाबा को प्रसाद खिला रही हूँ, और इस तरह से कृष्णा जी, दुर्गा जी, सबको मैं ऐसे ही करके दे रही हूँ, मतलब प्रसाद उनके मुंह में लगा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है, और पूरा दिन मैं व्रत रहती हूँ, जिसके बाद में मैं पूरे दिन में अगर मन हुआ तो एप्पल वगैरह, केला वगैरह ये खा लेती हूँ, और नहीं तो शाम को मैं चाय बनाती हूँ, तो मखाने को देसी घी में फ्राई करके चाय के साथ ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पूरे दिन का व्रत रहता है। अब मैंने प्लेट में रख के ही मैंने जला ली थी कपूर, और अब देखिए मैं घंटी बजाते हुए जा रही हूँ और साईं बाबा की आरती कर रही हूँ, और
कपूर ख़त्म हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने दोबारा कपूर डाल के दोबारा पूजा कर रही हूँ। तो फ्रेंड मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप देखिए मैंने प्लेट रख दी है साईं बाबा के सामने, जो भी पूज मैंने हाथ जोड़ लिया, उनके पैर छू लिए, और बाबू भी देखो मुझे देख के अपने वो भी पैर छू रहा है। तो बस यहाँ से मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मैं आपको अपने मंदिर का लुक दिखाती हूँ। तो बस ये देखिए छोटा सा मंदिर है, तो ये देखिए यार ये रहा मेरे मंदिर का लुक। तो फ्रेंड मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब मैंने अपने बेटियों को भी रेडी कर दिया था। तो अब मैं चले गई डॉक्टर के यहाँ पे, मैंने वहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। फिर इसके बाद में शाम को मेरा तो व्रत था, लेकिन मैंने हस्बैंड और बच्चे के लिए खाना बनाया हुआ था। तो मैंने बनाया था बूंदी के रायता, मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ियाँ, सलाद में मैंने खीरा और प्याज रख दिया था और मटर पुलाव बनाया हुआ था। तो ये खाना हस्बैंड और बच्चे ने किया हुआ था। सो फ्रेंड कैमरे की पता नहीं क्यों कैमरा इतना ज़्यादा बेकार आ रहा था कि सब्ज़ी का जो कलर है ना रियल कलर ही नहीं दिख रहा था। और पता नहीं क्यों कैमरे में थोड़ा कुछ इफेक्ट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड ये रहा मेरा रात का डिनर जो मेरे पति और मेरे बच्चे ने किया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ताकि मैं व्लॉग वीडियो डालती रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।